हेलो गाइस सो वेलकम ऑल ऑफ यू सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज दिलिटी दिस इज अवर पार्ट वन सो इन द लास्ट वीडियो वी एंडेड अवर चैप्टर फ्रीडम रिमेंबर दिस इज द सेकंड बुक है ना ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास इलेवेंथ सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज इक्वेलिटी इक्वलिटी क्या होता है वाई डज इक्वेलिटी मैटर इक्वलिटी क्यों मैटर करती है है ना अब मैंने आपको ये कुछ है ये अलग लिखवाया है, है ना ये इसका पार्ट नहीं है ह्यूमन बीइंग क्या है गॉड का क्रिएशन है है ना ह्यूमन बींग्स को किसने क्रिएट किया है गॉड ने तो इक्वल वर्थ रिगार्डलेस कलर जेंडर रेस एक्सेट्रा है ना इक्वली वर्थ किया मतलब इक्वली बना है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जब भगवान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जब हमारे गॉड ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा तो ह्यूमन कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले है ना अब इसमें एक बात कही गई है ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार क्वेश्चन है इसको मार्क कर लीजिएगा है ना क्योंकि ये अधिकतर पेपरों में आता है और इसमें हम कुछ चीज सीखते हैं सेंचुरी सेंचुरी के century के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया था स्लोगन यूज किया था लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इक्वेलिटी का है ना किसके अगेंस्ट में लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बार बार कह रहा हूं इसको मार्क कर लेना है ना ट्वेंटी सेंचुरी में क्या हुआ था एशिया और अफ्रीका के अंदर एंटी कॉलोनियल लिबरेशन चालू है लिबरेशन मतलब फ्रीडम है ना लिबर्टी मतलब फ्रीडम है ना ठीक है अब व्हाट इज इक्वेलिटी इक्वलिटी क्या होती है बस डज इक्वलिटी मैटर में हमें सिर्फ यही दो चीज याद रखनी है ठीक थी, है और आप ये भी कह सकते हैं इक्वालिटी हमको बाय नेचर मिली है बाय गॉड मिली है एक लाइन मारेट कर ले व्हाट इज इक्वेलिटी में क्या आएगा अब इक्वेलिटी क्या है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स डिविजन ऑफ वर्क एंड फंक्शन पीपल ऑफ्टन इंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड अकाउंट ऑफ इट हर एक सोसाइटी के अंदर हर एक सोसाइटी को अच्छी तरह चलाने के लिए क्या चाहिए डिवीजन ऑफ वर्क चाहिए यानी कोई तो लेबर भी होना चाहिए है ना कोई प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए कोई आर्मी ऑफिशियर भी होनी चाहिए कोई जज भी होना चाहिए कोई कॉन्स्टेबल हर तरह के लोग चाहिए क्योंकि एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक नेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए हर प्रकार के लोग चाहिए हर तरह के हर टाइप के लोग चाहिए जो हर तरह का काम कर सकें है ना तो लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इनके बिहार पे कि तू छोटा काम कर करे तू बड़ा काम कर है ना नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफिस तो क्या कह रहा है स्मूथ फंक्शनिंग होती है तभी होती है सोसाइटी जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है उसके अंदर है ना और लोग जो है वो इंजॉय करते हैं डिफरेंट स्टेटस और रिवॉर्ड्स डिफरेंट तरह के स्टेटस और रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स मतलब आप जानते हैं स्टेटस मतलब होता है जैसे हर किसी व्यक्ति का एक स्टेटस है जैसे पीएम वो प्राइम मिनिस्टर या उसका स्टेटस है अगर कोई आज कॉन्स्टेबल है तो कॉन्स्टेबल है ये उसका स्टेटस है है ना स्टेटस सिंबल है तो इंजॉय करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस और रिवॉर्ड्स उसके बिहाफ पे वो जो वो वर्क कर रहे हैं है ना अब हमारे इज इक्वलिटी के अंदर दो चीज बताई गई है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेचुरल एंड सोशल इन इक्वालिटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर किसी को है ना अभी हम थोड़ी आगे चलेंगे तो हम स्पेशल नीड्स है ना वगैरह वो भी पढ़ेंगे अभी लेकिन इतना ही पढ़ते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए है नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्या है अब ये आप खुद समझ जाएंगे कुछ वर्ड से नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या है किसी कोई अगर हैंडी कैप है, है ना कोई अगर हैंडी कैप है तो क्या ये नेचुरल इन है उसकी ये सोशल इनइक्वेलिटी भाई समाज का तो कोई वो है ही नहीं इसमें तो ये क्या है नेचुरल इन है? लेकिन सोशल इन क्या है हम लोग कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये क्या है सोशल इनइलिटी कि गुड स्किन कलर है ना ही इज अ फेयर स्किन कलर तो ही इज गुड है ना और शी इज गुड तो ये सोशल इन होगी कि आप लोग ब्लैक्स को दबा रहे हैं आप लोग कास्ट सिस्टम में जा रहे हैं लेकिन नेचुरल क्या है कोई हैंडीकैप है कोई किसी का कोई हाथ नहीं है समर इज नॉट हीयरेबल तो मतलब ये जो समस्या है ये उसमें आती है तो आज हमने क्या पढ़ा इक्वालिटी क्यों मैटर करती है ये इंपॉर्टेंट है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है है ना और व्हाट इज इक्वालिटी व्हाट इज इक्वालिटी हमने दो तरह की इक्वलिटी इन देखिए ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और नेचुरल सोशल इक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में समझा सो थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू